हेलो एवरीवन तो मैं सूर्या गौसल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल डायनेमिक फिजिक्स पे तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास टेंथ का दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम फिजिक्स ओके ये हमारा दूसरा पार्ट है वीडियो का इसमें हमने पहले पार्ट में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे इस टॉपिक में यहाँ पे हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे पहला है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ओके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए यह मैं बताता हूं आपको सिंपली समझ लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है वह कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर अस सपोज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस स्ट्रेट वायर Suppose कर लो किस स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ओके okay. अभी जब ये स्विच ऑफ है सपोज कर लो अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है इन दैट केस हम यहां पे कंपास को प्लेस्ट करते हैं और इस कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा एंड जो साउथ पोल है वो साउथ के डायरेक्शन में होगा बट वेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं तुरंत इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होता है डिफ्लेक्शन कैसा सो होगा यानी कि कह सकते हो कि यहां पे इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस वे में होगा यानी कि जो कंपास है कंपास निडिल नॉर्थ साउथ के बजाय ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया और यह डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ओके जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे हम कि अगर कंडक्टर का शेप लीनियर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा या सर्कुलर है तो कैसा होगा या करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन तीनों टॉपिक के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन ओके तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पहला है लीनियर सोर्स के लिए लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर देखो कोई भी लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें क्या करो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो सिंपली एक पॉइंट लेते हैं इस वायर पे हमने लेटर सपोज कि इस पॉइंट को ले लिया और इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लो तो यहां पर ये जो कंसेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगे यानी कि इस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कुछ ऐसे कंसेंट्रिक वे में होगा यानी कि यहां पर इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वेरी क्लोजर ओके लेकिन ध्यान रखना कि ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसमें जैसे जैसे हम इसके टूवर्ड्स जाएंगे यानी कि वायर के क्लोजर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू बढ़ेगी और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू घटेगी देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ओके अगर यह डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा एंड इफ दिस डिस्टेंस विल बी लेस देन सॉरी भी लेसर हाइयर है मतलब ज्यादा है लार्जर है तो इस कंडीशन में यहां पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो आपने देखा ये हमारा रहा लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर इस लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट ओके ये फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि जितना ही ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा जनरेट होगा और यदि करंट का वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा कम फ्लो करेगा या कम प्रोड्यूस होगा ऐसे कह सकते हो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो जो तैतीस हजार वोल्टेज जिसमें पोटेंशियल्स आते हैं इतना सप्लाई जो जिस वायर में आता है हमें कहा जाता है कि उस वायर से थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो हमें दूर से ही शौक दे देता है ऐसा कैसे पॉसिबल होता है क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रेंज होता है वो काफी अधिक होता है ऐसा क्यों क्योंकि वो काफी हाइयर पोटेंशियल कंटेन करता है यानी कि इसमें करंट का अमाउंट भी काफी ज्यादा होगा और जब करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा और वही हमारे घरों में जो 220 वोल्ट पोटेंशियल आता है उसका मैग्नेटिक फील्ड रेंज उतना ज्यादा नहीं होता इसलिए हमें दूर से शौक नहीं लगता ओके तो पहला प्रॉपर्टी आपने देखा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दूसरा ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मतलब क्या हो गया कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा इस पॉइंट से अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी तो यहां पर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड किया पहला है करेंट दूसरा डिस्टेंस तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल अब डिपेंड इस पर भी करता है कि जो वायर बनाया गया है उस वायर का नेचर कैसा है वो वायर कॉपर का है आयरन का है या एल्यूमिनियम का है या सिल्वर का है अब जैसा वायर होगा उसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अब जैसे यदि आयरन का वायर वायर हमने कंसिडर किया है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि आयरन बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो एक मैग्नेटाइट मटेरियल होता है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो सिंपली कह सकते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है पहला फ्लोइंग करंट पे डिपेंड करेगा दूसरा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे तो अब आते हैं हम दूसरे करंट फ्लो के तरफ देखो दूसरा क्या है कि जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्कुलर लूप में भी फ्लो कर सकता है ठीक है तो ऐसे कह सकते हो फॉर सर्कुलर लूप फॉर सर्कुलर लूप इसके लिए देखो देखते हैं किसी भी सर्कुलर लूप में देखो यहां पे इसको एक्सप्लेन करते हैं इस, इस तरफ किसी भी सर्कुलर लूप में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना तो लाजमी है भाई साहब मतलब ये रहा हमारा सर्कुलर लूप और इस सर्कुलर लूप में जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया ओके इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया और जब करंट फ्लो करना शुरू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा बिकॉज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे से को होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों फिल्म एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है तो क्या करोगे इस वायर पर कोई भी एक पॉइंट ले लेना इस डायरेक्शन में और इस साइड पे भी कह सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट ऐसे कंसिडर कर लेते हैं और इन पॉइंट्स के चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं इन अ सर्कुलर लूप वही कंडीशन इधर भी हो जाएगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है इन अ सर्कुलर लूप ओके तो आपने देखा कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ अगर हम कहें कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन सेंटर पर जनरेट होगा या ऐसे कह लो कि जो मैग्नेटिक लाइन सेंटर पे जनरेट होगा इस आ, लूप के सेंटर पे तो उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा उसका भी वैल्यू डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे जिसमें सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और यदि करंट की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी दूसरा देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इट विल बी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या रेडियस कह सकते हो रेडियस के इनवर्सली यहां पर ये जो देख रहे हो जो हमने सर्कुलर लूप लिया है इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है इस रेडियस पे भी डिपेंड करता है okay. तो अगर ये रेडियस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का नेक्स्ट फैक्टर है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे नेचर ऑफ मटेरियल पे हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की अगर बात कर लो तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का नेचर अलग होगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का वे भी क्या होगा अलग होगा तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर में प्रोड्यूस होगा इट विल बी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप यानी कि अगर सर्कुलर लूप का रेडियस कम होगा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा और यदि इसका सर्कुलर लूप का जो सरकमफ्रेंस है अगर वो ज़्यादा हुआ तो कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो कि इसका जो रेडियस है रेडियस अगर ज़्यादा हुआ तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा और लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है तो सिंपली कह सकते हो क्या कि जो मैग्नेटाइट मटेरियल होंगे मैग्नेटाइट मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और सिंपल मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा इन कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटाइट मटेरियल तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर जिसको तो हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अइड तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले ये समझ लो कि सोलेनॉइड क्या होता है ओके okay, सोलेनोइड क्या होता है देखो अगर हम कॉपर वायर को कुछ इस तरह से अगर हम रिंग सेप में ऐसे कह सकते हो हमने रैप कर दिया या इसके बीच में हमने कोई एक कोर ले लिया सॉफ्ट आयरन को ऐसा कोर ले लिया और इसको हमने ऐसे रैप कर दिया या वाउंड कर दिया तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट होगा और इस सिस्टम को हम बोलते हैं सोलोनाइड <ख्वल्य> ओके इस सिस्टम को क्या बोलते हैं सोलोनाइड जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा या ऐसे कह सकते इलेक्ट्रिक करंट अभी छोड़ते हैं अभी इधर आए इधर देखते हैं जो हमारा मैग्नेट है आप जानते हैं कि नॉर्थ मैग्नेट और साउथ पोल हो गया मैग्नेट का दो पोल हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ से साउथ और फिर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ कुछ इस तरह का डायरेक्शन शो होता है इन सेम वे जो सोलनॉइड होता है सोलेनोइड में भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है यानी कि जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है एक और चीज बता दें आपको क्लॉक फेस रूल के बारे में क्लॉक फेस रूल जैसे अगर सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो कब आप कहेंगे कि नॉर्थ पोल का बिहेवियर शो कर रहा है और कब कहोगे कि साउथ पोल का बिहेवियर शो कर रहा है ये टॉपिक हम समझाते हैं आपको देखो यहाँ पे क्या है कि दो कंडीशन हो सकता है कि यदि किसी सर्कुलर वायर में या किसी सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो दो तरह से हो सकता है पहला या तो वो क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की जो सुई होती है उसके सेम डायरेक्शन में ओके okay? सेम डायरेक्शन में तो एक हो सकता है क्लॉकवाइज या फिर करंट के फ्लो का डायरेक्शन एंटी क्लाकवाइज हो सकता है तो जब करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो ये साउथ पोल की पोलरिटी शो so करता है और यदि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लाकवाइज होगा तो ये उस कंडीशन में नॉर्थ पोल की पोलरिटी शो so करता है यानी कि आपने देखा कि क्लॉक रूल क्या कहता है कि जब भी किसी सर्कुलर वायर में या किसी सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इन क्लाक वाइज डायरेक्शन तो वो साउथ पोल का बिहेवियर शो करेगा एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन तो ये नॉर्थ पोल की बिहेवियर शो करेगा ओके तो आते हैं सोलोनॉइड की तरफ देखो सोलोनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है अभी जस्ट हमने बताया आपको कि जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट होता है यानी कि यहां पर भी दो पोल डेवलप होता है अब कहे सर ऐसा कैसे हुआ जरा देखो यहाँ पे ये यह जो सर्कुलर लूप जो है इस सर्कुलर लूप में अगर देखेंगे यदि यहां से इलेक्ट्रिक करंट सपोज कर लो फ्लो कर रहा है पोटेंशियल तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसके अगले ही स्टेप में इसका करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड ऐसे हो रहा मतलब कुछ इस तरह से इसका लूप है ऐसे ऐसे करके है सर्कुलर शेप में या ऐसे हेलिकल का हेलिकल शेप में है तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ इस वे में होते जा रहा है और इसी वजह से जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक नॉर्थ और एक साउथ के जैसा बिहेवियर शो करता है यानी कि नॉर्थ पोल से क्रिएट होता है और साउथ पे जाकर के इमर्ज करता है बट इन साइड ऑफ द सोलोनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ के तरफ होता है ओके okay. तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट यानी कि जितना ही ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दूसरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ क्वाइल पे नंबर ऑफ क्वायल या नंबर ऑफ टर्न्स कर सकते हैं टर्न्स ऑफ क्वायल इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वायल है उसके नंबर पे भी डिपेंड करता है अब इनकी संख्या जितनी ही ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा और यदि नंबर ऑफ क्वायल की संख्या कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा दूसरा देखते हैं यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एयर गैप के यानी कि इनके बीच में एयर गैप दे हो क्या होता है इन दो क्वाइल के बीच का जो गैपिंग होता है इस गैपिंग को हम बोलते हैं एयर गैप इनके पहला कॉल हो गया दूसरा कॉयल हुआ इनके बीच का जो गैपिंग है इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोल सकते हो एयर गैप तो यहां पर देखोगे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप यहां पर पूरा लिखते हैं एयर गैप यानी कि एयर गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी कि यदि एयर गैप का वैल्यू बढ़ता जाएगा जैसे सपोज कर लो कि यहां पर हमने जो रैप किया है कॉपर वायर को इसका क्वांटिटी uh, कम कर दें यानी कि रैपिंग जो है थोड़ा दूर दूर कर दें तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी और यदि उनका रैपिंग ज़्यादा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी इसके अगले स्टेप में बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर पर यानी कि यहाँ पर जब हम एज ए कोर लेते हैं एज ए कोर के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम तो इसके भी नेचर पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम तभी प्रोड्यूस होगा जब हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करेंगे यदि सॉफ्ट आयरन कोर के बजाय हम किसी हार्ड आयरन को या किसी दूसरे मटेरियल को एज ए कोर लेते हैं तो उस कंडीशन में कह सकते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी वो सॉफ्ट आयरन कोर के लिए होगी